रूसी फ्रंटलाइन तोड़ने में कामयाब हुआ है यूक्रेन। कई इलाकों में रूसी फ्रंटलाइन में घुसे हैं यूक्रेनी, ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है। काउंटर ऑफेंसिव में रूस को भारी नुकसान, ये यूके ने कहा है। तो ब्रिटेन से यह गवाही आ रही है कि कई जगह पर फ्रंटलाइन रूस की तोड़ने में कामयाब हुआ है यूक्रेन और फ्रंटलाइन के अंदर घुस गए हैं यूक्रेन के जवान। आइए जल्दी से ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री के इस दावे को और ज्यादा डिटेल में आपको बताते हैं। बिग वॉल पर लेकर आइए पीसीआर, बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं क्या कह रही है ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री, ब्रिटेन क्या कह रहा है इसके बारे में। ये देखिए, यूक्रेन की सेंध पूर्वी हिस्से में और यूक्रेनी सेंध दक्षिणी हिस्से में। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्स के हवाले से ये जानकारी आ रही है। आप देखिए, रूसी फ्रंटलाइन में सेंध में यूक्रेनी सेना कामयाब, ये कहा है ब्रिटेन ने। वो ये कह रहे हैं कि कई इलाकों में पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में यह कामयाबी मिली है। पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा जो हम आपको बता रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं पूर्वी हिस्सा और ये जो देख रहे हैं आप दक्षिणी हिस्सा। दक्षिणी हिस्सा ये नीचे इधर की तरफ आता है, जो ओडेसा की तरफ, उधर ब्लैक सी की तरफ जाता है, और दूसरी तरफ यूक्रेनी पूर्वी हिस्सा जाता है जो खार्किव की तरफ जाता है, जो बेलग्रोद बॉर्डर से लगता है। इसके अलावा कई इलाकों में यूक्रेनी प्रोग्रेस अभी धीमा है, यह भी कहा है ब्रिटिश के रक्षा मंत्रालय ने। इसके अलावा वो और क्या कह रहे हैं, रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है, ये वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं रूसी सेना इन इलाकों में पीछे हटी है। वो कह रहे हैं यहां पर अभी रूसी सेना को थोड़ा नुकसान हुआ है, कम से कम 4 मोर्चों पर ISW के मुताबिक काउंटर ऑफेंसिव जारी है। पुतिन क्या कह रहे हैं, पुतिन कह रहे हैं 5 दिन से जारी काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को कुछ हासिल नहीं हुआ है। जल्दी से अंबेसडर मल्होत्रा आपके पास, फिर एक और बड़ी खबर दिखाऊंगा। अंबेसडर मल्होत्रा, ये बयानबाजियां चलती रहेंगी, हो सकता है ब्रिटिश इंफॉर्मेशन है तो उसको आप पार्ट ऑफ वेस्टर्न प्रोपेगेंडा भी बता सकते हैं, लेकिन क्या काउंटर ऑफेंसिव ने अपनी धमक दर्ज कराई है? क्या आपको लगता है कि वो जो ज़ेलेंस्की को मिलना चाहिए था काउंटर ऑफेंसिव से, दुनिया में एक मैसेज कि यूक्रेन रीगेन करके रूस के खिलाफ फिर खड़ा हुआ है, वो दिखता है आपको? रजिस्ट्रेशन है काउंटर ऑफेंसिव का? देखिए गौरव, काउंटर ऑफेंसिव के बारे में हम काफी समय से सुन रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे काउंटर ऑफेंसिव का मतलब समझ में नहीं आया, सिवाय इसके कि यूक्रेन, रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशन किया और उसके जवाब में एक काउंटर ऑफेंसिव करके जो उनकी जमीन रशिया ने हथियाई है उसको वापस छुड़ाना चाहते हैं। जी सर, ये कोशिश तो वो पहले दिन से कर रहे हैं और इस कोशिश में उन्हें पूरी सपोर्ट मिल रही है वेस्ट से और अमेरिका से। काउंटर ऑफेंसिव में नया एलिमेंट क्या है, ये अभी तक खुल के सामने नहीं आया। और इवन ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि ऑफेंसिव शुरू हो चुका है, वो भी उन्होंने जब उनसे किसी ने सवाल पूछा कि कल पुतिन ने इसके बारे में बात करी थी तो आपकी इसके बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि देखिए काउंटर ऑफेंसिव तो शुरू हो चुका है लेकिन क्या है इसके एलिमेंट्स वो भी नहीं बता रहे हैं। तो आप इसे कुछ भी नाम दे दीजिए, जमीनी हकीकत ये है कि आज की तारीख में काफी हिस्से ऐसे हैं यूक्रेन के जो रशिया के कब्जे में है और रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी मिशन अनअकम्प्लिश्ड है और यूक्रेन तो अपने मिशन को अकम्प्लिश करने से मीलों मील दूर है। तो आप इसका नतीजा देख सकते हैं, जब तक दोनों पीछे नहीं हटेंगे अपनी अपनी सख्त पोजीशन से तो बात आगे कुछ बढ़ने वाली नहीं है। ठीक बात, रशिया कोई सिग्नल नहीं दे रहा कि वो। चलिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आप नाम कुछ भी दे लीजिए, हो तो वही रहा है जो पहले दिन से हो रहा है। रशिया वॉर कर रहा है, यूक्रेन उसका बचाव कर रहा है, फिर पलटवार कर रहा है, ये तो पहले दिन से हो रहा है, फिर काउंटर ऑफेंसिव का इतना प्रोपेगेंडा, इतना हल्ला क्यों?